गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आज इनडायरेक्ट टैक्स हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पता नहीं कितना मैं मैनेज कर पाऊँगी इन हिंदी। जस्ट मैं जो बोल रही हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बोलना मुझे टफ हो जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगी क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, स्टडी नोट वन इंट्रोडक्शन। बट आई विल मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, ट्राई टू गो इन इंग्लिश बिकॉज आवर एग्ज़ाम्स आर इन इंग्लिश ओनली। हमारे एग्ज़ाम्स इंग्लिश में हैं, हिंदी में नहीं हैं। मैं ट्राई करूँगी आपको अंडरस्टैंड हो जाए मैं जो बोल रही हूँ। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, तो उसके पॉइंट्स के ऊपर आप स्टडी कीजिए और आपका शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिफोर एग्ज़ाम अपने पास टाइम नहीं रहता है, सिर्फ 8 आवर्स उतना ही टाइम रहता है। सो ट्राई टू मेक छोटे छोटे नोट्स आप रेडी कीजिए। फर्स्ट दिस इज़ ए फंडामेंटल ऑफ GST। इसमें उन्होंने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स सेपरेशन किया है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट टैक्स जो ग्रुप 1 में सब्जेक्ट है उसमें भी उन्होंने कभी कभी पूछा है क्वेश्चन, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन पूछा है। तो उसका थोड़ा आपने डीप में जस्ट पॉइंट राइट कीजिए और उसका अंडरस्टैंड कीजिए कि वो क्या पूछ रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है उन लोगों ने, जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, डायरेक्ट टैक्सेस आर इन प्रोग्रेसिव इन नेचर, जो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि ये इंडिविजुअल टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, और उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। जितना हमारा इनकम है उसके ऊपर उतने हमें टैक्स पे करना पड़ता है। सो इट इज़ ए प्रोग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मीन्स कम होते जाता है, इट विल डिक्रीज। मीन्स GST और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है कि जहाँ से जितने कंज्यूमर्स या मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास आ जाएगा, होलसेलर से रिटेलर, उसके ऊपर वो क्रेडिट देते हैं। सो वो जितना ऊपर से नीचे तक आ जाता है तो उतना टैक्स कम होते जाता है। सो इसलिए उन्होंने रिग्रेसिव इन नेचर कहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन भी उन लोगों ने पूछा है, क्योंकि GST टोटली अमेंडमेंट है तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे। सी, कॉन्स्टिट्यूशन 122 एंड अमेंडमेंट बिल 2014 रिसीव्ड अ सेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 सितंबर 2016 एंड बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है जो अमेंडमेंट आया है। सो उनका क्वेश्चन यहाँ है। ओके, GST काउंसिल हैज़ बिन क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 101 ऑफ द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस पॉइंट को आप रिमेंबर कर लीजिए बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने देयर विल बी ड्यूअल कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ फॉर ऑल असेसेस। GST जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का पावर चलता है। सेंट्रल अकेला डिसीजन नहीं ले 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 पाएगा और स्टेट अकेला डिसीजन नहीं ले पाएगा, दोनों के सहमति से ही ये GST कंट्रोल है, GST में कंट्रोल है। तो GST इज़ ए ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। आई थिंक इट इज़ गेटिंग ब्लर, वन सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, देर आर फाइव प्रकार के GST है। उन्होंने यहाँ 4 टाइप ही दिया है, ABCD। पांचवा है जो GST कंपनसेशन सेस। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगी क्या ये कंपनसेशन सेस होता है। CGST, IGST, SGST, UTGST, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST यूनिटरी वन सेकेंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST कंपनसेशन से जो सेस मिलता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा, उसके
ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन जून 2018 में पूछा गया है. ओके, सो नेक्स्ट वन, जो अभी तक जीएसटी एक्ट में सबसीम नहीं हुए हैं, जो जीएसटी एक्ट में अभी तक नहीं लिया गए वो प्रोडक्ट्स है. ये सिक्स प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो जीएसटी में नहीं आए हैं. टिल इस सिक्स पॉइंट्स पे अभी तक वैट अप्लाई होता है एंड एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है, क्योंकि स्टेट ने इस सिक्स प्रोडक्ट्स को उन्होंने जीएसटी में सबसेम करने के लिए अलाउ नहीं किया है. टिल ये सिक्स पॉइंट्स अंडर स्टेट के अंडर में ही हैं, दैट इज़ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. जस्ट इसको इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. ये क्वेश्चन में मे बी नेक्स्ट आने वाले दिसंबर में ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एफ पॉइंट, दैट इज़ अ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट पर जीएसटी भी लगता है एंड सेंट्रल एक्साइज भी लगता है. सो जस्ट इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज दोनों एक्ट अप्लाई होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, और बहुत कुछ डेफिनेशन है. इन दूसरे वीडियो में मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगी, व्हाट इज जीएसटी एंड ऑल हिंदी में स्टार्ट करके मैं बताऊँगी. मुझे हिंदी उतनी नहीं जम रही है, तो थोड़ा को आप मुझे सपोर्ट कीजिए. इफ़ ये अच्छा लगा आपको वीडियो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ ए सी एम ए लीफ. आई एम थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. थैंक्स अ लॉट. बाय.